हेलो बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग बहुत दिनों बाद साइंस का कोई टॉपिक लेके मिल रहे हैं। मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में पोषक पदार्थ पढ़ा रही थी। पोषक पदार्थ में हमने दो तीन चीजें देख ली थी। आज का जो वीडियो है वो है फैट यानी कि वसा। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि फैट होता क्या है, वसा क्या होती है। देखिए, हम लोग जो भी सामान्य भाषा में फैट क्या कहते हैं, जो भी तली गली चीजें, घी, तेल, ये जो चीजों में बने पकवान या खाना होता है वो फैट में कहलाता है। जो हमारी बॉडी में कहीं कहीं सॉल्युबल होता है, कभी कभी वो जम जाता है जब वो एक्सीड कर जाता है या ओवर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम फैट के बारे में पढ़ेंगे, हमने एक जनरल सी बात देखी। अब हम अगर साइंस की भाषा में बात करें कि फैट क्या है, इसके क्या फायदे, क्या नुकसान है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो चलिए हम वो चीजें देखते हैं। अब बच्चों, हम साइंस की भाषा में वसा या फैट की बात करें तो वसा या फैट क्या होती है? ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एस्टर होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर ठोस अवस्था में रहते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं तो उन्हें तेल कहते हैं। तो हम जो तेल, देखिए वैसे तो फैट क्या होती है, ठोस होती है 20 डिग्री टेम्परेचर पर, लेकिन अगर 20 डिग्री पर भी वो लिक्विड रहे तो वो हम तेल कहते हैं, जो कि हम तेल यूज करते हैं। अब वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब संतृप्त वसा है वो अम्ल जो है, संतृप्त वसा अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है? मछली तेलों में। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल जो कि पाम ऑयल है, वो संतृप्त वसा के उदाहरण है। असंतृप्त कहाँ पाई जाती है? मछली के तेल और सभी वनस्पति तेलों में। और नारियल तेल और ताड़ में क्या पाया जाता है? ताड़ के तेल में संतृप्त वसा। अब 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती, तो हमें ऊर्जा देने में वसा का भी हाथ है। सामान्यतः एक व्यक्ति को जो कि वयस्क व्यक्ति है, उसको 20-30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इसका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारे ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना, बिजली घर है। फिर अब वसा के प्रमुख कार्य क्या है, हम ये देखें तो वसा जो है वो शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती। तो वो क्या है, वसा क्या है, हमारी स्किन लेयर के नीचे जम जाती है और हमारे शरीर को गर्म रहने देती है। हमारे शरीर की जो ओरिजिनल जो हीट है वो उसको बाहर नहीं निकलने देती, जिससे हमारा शरीर नॉर्मल रहता है। शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है, क्योंकि फैट जमा होती है तो ऊपरी चोट सामान्य तौर पर हमारे हड्डी और अन्य नसों को नहीं लगती। फिर वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी होती है और शरीर का विकास रुक जाता है। देखिए, अगर जैसे हम कहते हैं ना, पसीने में स्किन पे तेल ही तेल है, अरे वो तेल ही तो फैट है जो हमारे स्किन को ग्लो कराती है या हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखती है। अगर हमारी बॉडी में फैट की कमी हो जाए तो क्या होता है, स्किन हमारी जो है वो ड्राई हो जाती है, वजन कम होने लगता है बॉडी में से और धीरे धीरे शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता शरीर को स्थूल बनाती, ठीक है ना। जब अगर हम फैट ज्यादा खाते हैं तो हम क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, हृदय की बीमारी हो जाती है, हमें हार्ट अटैक वगैरह आने के चांस रहते हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है हमने फैट के बारे में देखी। बच्चों, अगले वीडियो में मैं फिर नए टॉपिक लेके आऊंगी, इसलिए मेरे वीडियो देखा कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।